हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अचारी आलू की रेसिपी। तो सबसे पहले हम मसालों का मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में लिया है 1 कप फेटी हुई दही, 2 चम्मच आम के अचार का मसाला और तेल, और उसके बाद बाकी सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे, जैसे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ग्रीन चिली, गर्म मसाला, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और धनिया पाउडर, और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मैरिनेशन रेडी है। मैंने यहाँ पे आलू और प्याज को कट कर लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। उसके बाद एक कढ़ाई में 1 चम्मच हम तेल गरम करेंगे, सरसों का तेल हमें लेना है। उसके बाद सारे खड़े मसाले हम इसमें डाल देंगे। जब मसाले स्प्लिटर हो जाएँ तो हम इसमें ऑनियन ऐड करेंगे और इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम आलू ऐड करेंगे, इसे भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मसाले ऐड करेंगे और मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। तो ढक के मैंने 3 से 4 मिनट तक इसे पकाया है। उसके बाद लीड हटा करके इसे मीडियम फ्लेम पे भून लिया है 2 से 3 मिनट तक। मसाले भून चुके हैं तो इसमें अब हम पानी ऐड करेंगे। तो ग्रेवी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाती है, आप इसे सूखा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे ग्रेवी वाला बना रही हूँ। तो थोड़ा सा पानी ऐड किया, आलू को अच्छे से कुक कर लिया और ये हमारा अचारी आलू रेडी हो गया है। थैंक्स।